चलो ठीक है, बाय बाय बाटा, आराम से जाना। तो हो गया है सब चीज पैक। तो अब हम लोग का मतलब बिरयानी रियानी पार्सल भी हो गया है और सब चीज कंप्लीट हो गया है, तो बस पानी लेना बच गया मेरे को। तो मेरा काश आगे निकल गए हैं, हम लोग जाके वेट करते हैं इनका, फिर हम लोग आज राइड बस हो पाएगा, नहाना हो जाएगा, खाने का तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं वैसे, तो फिर बस राइड करेंगे, खा लेंगे और आ जाएंगे। बस मज़ा आना चाहिए क्योंकि बनाने का सीन तो नहीं हो पाया, काश का बहुत मन था आज बनाने का, तो फिर कुछ हो नहीं पाया, अब क्या ही बोल सकते हैं, लेट तो हर दिन का होता ही है, हम लोग बजा नहीं रहे हैं। तो अब चलते हैं पहले पेट्रोल पंप, फिर पेट्रोल पंप के बाद फिर उसके बाद में हम लोग का राइड होगा स्टार्ट। आकाश लेगा वहाँ से अपनी गाड़ी, आकाश की फोर सिलेंडर वाली निंजा वहीं पर खड़ी हुई है, तो लाइनअप में खड़ी है आकाश की निंजा, और वो रही ZX10R लेजेंड। तो आकाश की निंजा लाइन अप में पूरा फोर सिलेंडर के साथ। तो आकाश साउंड सुनाओगे एक बार, कौन है अमृत भैया पूरा चालू कर रहे हैं अपनी गाड़ी। अबे उसको तो लेके आता, मैं भी थोड़ा सा आगे देखता हूँ, ये लोग भी आ ही रहे हैं सब सारे के सारे। से अपने भूला भाई एकदम थोड़े आराम से वाले हैं। आज अपने पास अभी तो फिलहाल 6 गाड़ी है और 2 आएगी मेरे ख्याल से। इतना ही राइड एकदम सॉर्टेड रहता है पता है, ज्यादा लोग जितना ज्यादा लोग उतने ज्यादा लेट। तो सारे आ गए हैं, 8 गाड़ी कंप्लीट हो गया फाइनली, तो फिर चलते हैं आगे क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो चले पहली बार आ रहा हूँ इस साइड से, बस पार हुआ तो पहुंच गए हैं निंगाव डैम। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन नज़ारा है, पहाड़ पर्वत जंगल नाला, अलग बोल दिया क्या, जंगल पहाड़ नदी नाला नहीं डैम नाला। और डैम तक तो सरकार रोडे नहीं बना रहा है, क्या करें, डैम खाली बनाता है सर, रोड तो बनावे नहीं करता है, ट्रैक्टर आ जाता है तो वही चातर हो जाता है, उसी को रोड बोल देते हैं लोग। इसीलिए अगली बार बाबा आगा को चुनाव में खड़ा करने का सोच रहे हैं ताकि वो रोड वोड बनवाए अपना डोमी चलने के लिए, और मेरे पास भी डोमी है तो मेरे लिए भी बन जाएगा। तो बाबा आगा से निवेदन है कि अगली बार भारी मतों से विजय हुए और रोड का निर्माण करें।
अब हम लोग फाइनली यहाँ निमगांव डैम पहुँच गए हैं और आकाश है हमारे साथ और उधर अनूप, मम्मू, अमृत, सानी जी और वाल्टर लकड़ा और एक भैया आए हुए हैं अपना N250 लेके और उधर जुलू भाई, प्रशांत सब आ गए हैं, उसको सब और फाइनली लाइनअप वगैरह कंप्लीट हो गया है। तो मोमो बताओ अब क्या करना है, पहले खाना है कि पहले नहाना है? खाना ठंडा हो जाएगा तो पहले नहा लेते हैं। नहीं पहले खा लेते हैं, मैं बोलना सही चाहता था लेकिन गलत निकल गया। तो पहले खा लेते हैं। यहाँ पर गाड़ी का लाइनअप वगैरह हो गया है पूरा, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा लाइनअप हो गया है। 8 गाड़ी बोले थे लेकिन यहाँ पर तो 10-10 गाड़ी हो गया है। भैया एक आज पीछे से आए, N250 वाले भैया आए, वो पीछे से, वो मेरे को नहीं पता था, और वो 2 गाड़ी उसका नहीं पता था, बाकी तो सब ठीक था। देख सकते हैं प्रशांत को इतना ज्यादा भूख लगा था कि वेट ही नहीं हो रहा, प्रशांत पूरा खा रहा है। बहुत प्रशांत सुबह से कुछ खाया भी नहीं, अरे जलो प्रशांत खाया भी नहीं था सुबह से, तो फिर उसको भूख भी लग रहा है। तो अब लाइनअप में गाड़ी तो सब व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, सब अपना अपना निकाल रहे हैं, सब खा रहे हैं। तो अब खाना वाना हो गया है, सब चीज खा लिए हैं, तो अब फिर हम लोग जाएंगे नहाने के लिए। तो नहाने के लिए इधर तो जगह पूरा मिट्टी मिट्टी है, तो हम लोग जाएंगे उधर, उधर थोड़ा मतलब नहाने के लिए है, थोड़ा सा बनता भी है, तो फिर इधर तो पूरा कीचड़ कीचड़ है, तो उधर ही जाना सही रहेगा। तो आधे लोग जा रहे हैं नहाने, आधे लोग तो नहाएंगे नहीं बोल रहे हैं, कपड़ा वड़ा वगैरह नहीं लेके आए, तो हम लोग जा रहे हैं नहाने और आधा लोग यहीं रुके रहेगा गाड़ी के पास। अभी हम लोग का यहाँ पर लाइनअप हो गया है, बाकी एक दो बाइक आना बाकी है, फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे अभी फ़ोटोशूट। लोकेशन तो बहुत सही लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं पूरा एकदम बेहतरीन, पेड़ वेड़ है सब साइड, फिर यहाँ पर होगा फ़ोटोशूट, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे आगे। तो आगे अभी तो रोड बना हुआ है बोल रहा था मम्मू, तो उस हिसाब से आगे रोड अच्छा ही होगा, बना है बोल रहा, तो फिर वहाँ पर होगा हम लोग का फ़ोटोशूट, मतलब स्टंट वगैरह। प्रशांत और सहनी भी बोल रहा था कि करेंगे, तो स्टंट का भी थोड़ा सा टाइम निकाल लिया, आगे स्टंट वगैरह होगा, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे फाइनली लास्ट में जशपुर। तो चलिए थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह कर लेते हैं। तो आकाश चलो क्लिक करो फिर, ठीक ठीक करते हैं। तो अभी यहाँ पर फोटोशूट वगैरह ख़त्म हो गया हम लोग का, और हम लोग जा रहे हैं आगे जहाँ हम लोग को अच्छा रोड मिलेगा और अच्छा स्पेस मिलेगा, वहाँ पर भाई लोग करेगा स्टैंड वगैरह, तो फिर वहाँ पर का मॉडलेशन बहुत अच्छा रहा, फ्रीज वगैरह बनाया, सबसे बहुत मज़ा आया। तो अब आगे देखते हैं स्टैंड में कितना मज़ा आता है, क्योंकि हर बार तो भाई लोग मचाते हैं, तो फिर इस बार भी मचाते हैं। नहीं देखते बहुत स्मार्ट सिटी निमगांव डबल है पूरा गाँव गाँव में दुकान उकान। तो अब हम लोग यहाँ आ गए हैं और ये लोकेशन मिल गया है, तो यहाँ पर भाई लोग बोल रहे हैं कि अब स्टंट करेंगे, क्योंकि जगह सही मिला है लोगों को, थोड़ा खाली सा भी है, तो यहाँ पर अब भाई लोग करेगा स्टंट। तो सानी जी स्टंट स्टंट करेंगे आराम से। तो अब आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता भी पतला है और थोड़ा डर भी है, क्योंकि बाइक वाइक वगैरह सब चीज पास पास में खड़ा है, तो फिर आगे चलते हैं। प्रशांत का टॉपी सेक्सी वाला बोस्को।
फिर हम लोग डायरेक्ट निकल जाएंगे घर। ये अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। बाय बाय गाइस।